फाइनेंशियल जिस समय सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं ट्रेड में, एनबीएफसीज, बैंक्स, रेट सेंसिटिव्स एसेंशियली रिएक्ट कर रहे हैं. हमारे पास मिस्टर मेहता भी ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के हेड. मिस्टर मेहता, फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर आप देखिए, कुछ लेंडर्स ने ऑलरेडी रेट बढ़ाना शुरू कर दिया था बहुत छोटी छोटी मात्रा में. क्या आप लगता है वो हॉल्ट हो जाएगा, और आप कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल या लेंडर्स कम्युनिटी पे जिस तरह की कमेंट्री आ जाइए? देखिए, जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, रिजर्व बैंक ने तो ग्रोथ पे ही ज्यादा फोकस किया है, और इसीलिए आई थिंक दे हैव नॉट प्लेड विद रेपो एंड रिवर्स रेपो. रिवर्स रेपो में तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि शायद कॉरिडोर को नैरो किया जाएगा, मगर आरबीआई ने उसको डिफरेंटली प्ले किया थ्रू ऑपरेशनल रूल. दे सेड के अगर ये कोई भी इसमें एडजस्ट करना होगा तो वेरिएबल रेपो एंड वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की जो विंडो है जो सीआरआर की साइकिल के साथ में है उसके साथ में ऑपरेशंस करेंगे, एंड दैट विल बी डिटरमाइनिंग रेट फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. जहां तक फाइनेंशियल सेक्टर पे इम्पैक्ट की बात है तो बैंकिंग सेक्टर के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी. जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो बैंकिंग सिस्टम में डेफिनेटली जो लेंडिंग रेट्स हैं वो भी लो रहते हैं बिकॉज फंड्स आर अवेलेबल एट ए मच लोअर कॉस्ट. मगर जैसे जैसे मार्केट में लिक्विडिटी ड्रेन होती है और जैसे जैसे ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं हम या क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाती है तो मार्केट जो है वो डिमांड सप्लाई गैप्स के कारण से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ने शुरू होते हैं. आई थिंक द इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय सम ऑफ द प्लेयर्स इन फाइनेंशियल सेक्टर मे बी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड फॉर क्रेडिट. व्हेन योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डिमांड इज मोर, बैंक्स टेंड टू टेक आइदर बिग बेटर मार्जिन्स ऑन इट और मे बी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट. सो इससे दिस इज नॉट एन इंडिकेटर कि ओवरऑल जो है बैंकिंग सेक्टर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को म्यूट कर देगा या इंक्रीज कर देगा. दैट विल डिपेंड अपॉन कि हाउ द इकोनॉमिक रिकवरी पैंस आउट. अगर इकोनॉमिक रिकवरी फास्टर होती है और इसके हिसाब से जो दिसंबर तक के डेटा थे, दिसंबर तक के जो बैंकिंग सिस्टम में था कि क्रेडिट ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट इन द प्री पेंडेमिक लेवल पे जा रही थी, अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आई थिंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट मे हैव अ स्मॉल अपवर्ड मूवमेंट इन द मार्केट, बट दैट विल मेनली डिपेंड अपॉन हाउ द डिमांड फॉर द क्रेडिट एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस. गवर्नमेंट ने जो 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है दिस विल डेफिनेटली पुल द क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि आप देखिए जब ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है तो जितनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील, सीमेंट, मैन पावर, पावर, ऑल दीज थिंग्स दे गेट ट्रैक्शन. और तो जो एंसिलरी सेक्टर में ट्रैक्शन मिलेगा उससे डेफिनेटली जो है क्रेडिट ग्रोथ को ट्रैक्शन मिलेगा, उससे डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज होगी, एंड डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच होने से देन डेफिनेटली जो अभी क्या था सरप्लस थी, डिपॉजिट ग्रोथ वॉज से इन द डबल डिजिट कैटेगरी एंड द क्रेडिट ग्रोथ वॉज इन लोअर लेवल ऑफ द सिंगल डिजिट कैटेगरी, तो जो वो गैप कम हो जाएगा बिकॉज द ग्रोथ इन क्रेडिट में बिकम मोर एंड डिपॉजिट में गेट म्यूटेड. So, उससे definitely rate of interest में कुछ increase आना expected है. बिल्कुल मिहिर, इस बीच इस समय तो मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया है और जाहिर सी बात है ये अकोमोडेटिव स्टांस जो है वो इस समय थोड़ा ज़रूरी भी है इकोनॉमी के लिए, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत ओवरहैंग रहे भी.